आज हम आपका सिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करते हुए स्क्वायर रूट्स पे आएंगे। अभी तक हमने स्क्वायर समझे थे, अब हम स्क्वायर रूट समझेंगे। रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ये रूट का सिंबल है और यहां पर चलिए वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी आएगा तो। ये स्क्वायर होता है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, ये जस्ट अपोजिट ऑपरेशन होता है स्क्वायर्स का। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। जैसे अब हम एग्जांपल से देखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 क्या है 9 के लिए, वो एक स्क्वायर रूट है 9 का। ओके, स्क्वायर रूट में क्या है, पेयर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे 3 × 3 करेंगे तो ये एक 2 का पेयर बनाएंगे। स्क्वायर मतलब 2, 2 2 का पेयर बनाएंगे और इस पेयर में से हम एक बाहर ले लेंगे, तो ये रूट हो जाएगा 9 के लिए। क्लियर हो गया होगा आपको स्क्वायर रूट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम किसी और नंबर का, क्योंकि ये छोटा नंबर था तो इजी था, अब कोई और नंबर आ जाएगा तो उसको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए दो मेथड है। एक है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम देखेंगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ये मैं आपको एक प्रॉपर्टी में भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर से दोहरा देते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है 81, इसका रूट निकालना है हमें। रूट 81 क्या होगा, उसके लिए हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन यानी लगातार सब्ट्रैक्ट करेंगे। किन नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को। देखिए पहले स्टेप में हम 81 में से 1 माइनस करेंगे, 80 आएगा। ये मैं प्रॉपर्टीज में भी पहले आपको बता चुकी हूँ। 80 माइनस 3 करेंगे 77, फिर 77 यहाँ से इधर आ गया, ये थर्ड स्टेप है। इस तरीके से हम स्टेप्स को कंटिन्यू करते जाएंगे और हम देखेंगे कि 9th स्टेप तक आते आते हमारे पास 0 बचा। तो हमने कितने स्टेप्स चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और हमारे पास रिमाइंडर बचा 0। तो 81 का रूट हो जाएगा 9, क्योंकि हमने 9 स्टेप्स लिए तब जाकर हमारे पास 0 आया। सपोज यहाँ 0 नहीं आता, कोई और संख्या आ जाती, तब उस केस में इसका वो रूट नहीं होता, तब केस अलग हो जाता और ये रूट नहीं निकलता। लेकिन आपको जो अभी है वो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इतना ही है कि आपको जो सक्सेसिव प्राइम नंबर्स है उनको क्रम से और माइनस करते जाएंगे, और कब तक करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाएगा, और जितने स्टेप्स हमने लिए वो स्टेप उसका रूट हो जाएगा। दिस इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब दूसरा देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम क्या होता है आप जानते हैं, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके की फैक्टर या तो एक नंबर एक या वो डिजिट इटसेल्फ, वही दो नंबर्स प्राइम, जिनके दो फैक्टर होते हैं वही प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स लेंगे फैक्टर करने के लिए। फैक्टर करना आपको आता है लेकिन हम फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 676, इसका रूट निकालना है हमें, तब हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे। 2 भी एक प्राइम नंबर है, आपको पता है 2 इकलौता एक ऐसे नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। कंटिन्यू करेंगे, ये आपको पता है लेकिन फिर भी चलो समझा लेते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 8 × 2 = 16, देन 169, 13 से 169 जाता है, ये हमको पता है। आपको प्राइम नंबर फैक्टर्स करने आते हैं, उसी तरीके से ये होगा जैसे हम एलसीएम करते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि ये वाले जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स आए जिनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, अब देखिए इनके हम पेयरिंग करेंगे, दो दो की पेयरिंग करेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 2 2 है तो 1 2 ले लिया, 2 13 है तो 1 13 ले लिया। अगर सपोज यहाँ कोई और एक नंबर बचता, वो अकेला होता, उसका पेयर नहीं बचता, उस समय क्या करते, वो अकेला रह जाता। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको कंटिन्यू वो बताऊंगा। अभी आप इसको समझे, 2 के पेयर से 1 2 ले लिया, 13 के पेयर से 1 13 ले लिया, 13 × 2 = 26, तो इसका रूट क्या हो गया, 676 का रूट हो गया, 676 का रूट हो गया 26। ये दो मेथड थे निकालने के, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6.2। उसमें आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दिस इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मींस दिस।
आपको इस वाले मेथड से करना है, ये वाले मेथड कर देंगे गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे जैसा क्वेश्चन आपको कंडीशन अप्लाई कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करेंगे। तो अब आप 6.2 करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप वो हमसे पूछेंगे।